this video I will explain you how to add the fractions. First of all, what are fractions? Fractions are the numbers which have numerator as well as denominator, which can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0. Fractions mein ek numerator ek denominator, 6 numerator 9 denominator, 3 numerator hai yahan, 2 denominator hai yahan, 5 numerator hai aur yahan 4 denominator hai. To ye teenon kya hai? Fractions. Aapko inko add karna hai. Fractions ko add karne ke liye sabse pehle aap log loge LCM. तो LCM लेते हैं किसका? Denominators का. 9 denominator, 2 denominator, 4 denominator. 9, 2 और 4. इसका आपने LCM लिया. सबसे पहले 2 से divide करते हैं. 9 तो divide नहीं हो रहा, ऐसे ही लिख रहेंगे. 2 से 2 को divide किया 1. और यहां 4 को 2 से divide किया, तो it is 2. अब 2. 9 तो divide नहीं होता, as it is 1. As it is 2 को 2 से divide किया 1. अब 9 3 से divide हो जाते हैं, तो 3 से करेंगे. 3 3 जा 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 1 as it is, 1 as it is. फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 as it is, 1 as it is. अब 1 आ जाए तो स्टॉप कर देते हैं. LCM क्या आया हमारे पास? ये 2 multiply by 3 multiply by 3, 2, 2, 3 और 3, इन सब को multiply करना है. 2 multiply by 3 multiply by 3, 2, 2 is a 4, 4, 3 is a 12 और 12, 3 is a 36. तो आपने LCM कितना calculate कर लिया? 36. जब add करना है तो denominators का LCM लेना है. हमने LCM लिया 9, 2 और 4 का. अब इसको यहां लिख लेंगे, LCM is 36. अब next step, 36 को 9 से divide करो, कितना आया? 4. और इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 36 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 36 को 2 से डिवाइड किया 18, और जो ऊपर नंबर लिखा है 36 को 2 से डिवाइड किया 18, और 18 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से प्लस, यहां जो साइन है वही लगाएंगे. 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 9 जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 36 को 4 से डिवाइड किया 9, और 9 को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5. चलिए, 4 6 जा 24 प्लस 18 3 जा 54 प्लस 9 5 जा 45 और डिनोमिनेटर 36 एज इट इज. अब हम लोग ऐड करेंगे 24 54 और 45 को. जब आप इसको प्लस करोगे इट विल कम आउट टू बी 123 अपॉन 36. तो 123 अपॉन 36, अगर ये सिंपलीफाई होता है तो आप सिंपलीफाई भी करेंगे, तो जो हमने फ्रैक्शन को ऐड किया इसका आंसर हो गया 123 अपॉन 36. जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में अलग-अलग हो तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे और फिर इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है. अब हमें इस फ्रैक्शन को ऐड करना है. फ्रैक्शन मीनिंग एक ऐसा नंबर जहां पर एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है. 17 upon 8 plus 9 upon 8. जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम नहीं लेंगे. ये क्वेश्चन शॉर्ट में हो सकता है. डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका एलसीएम वैसे भी 8 ही आने वाला है. 8 और 8 का एलसीएम 8. डिनोमिनेटर एज इट इज और इनको सीधे लिख देना है. 17 plus 9 डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर की डायरेक्ट एडिशन. अगर डिनोमिनेटर सेम है तब, अगर न्यूमिनेटर अलग है तो ऊपर की तरह करना है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया. 17 plus 9 कितने हो गए? 26 upon 8. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. 2 4 जा 8 और 13 2 जा 26. ये हमारा आंसर हो गया 13 अपॉन 4. आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें. मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें. थैंक्स फॉर वाचिंग.